साल का इंतहाई शुक्र है, इंतहाई एहसान परवरदिगार आलम ने करोड़ों अरबों इंसानों को, जिनको क़यामत के दिन बहुत सारे हकायक पता चलेंगे, खुदा ने आपको और हमें इसी दुनिया में उन हकीकतों को समझने का मौका दिया। जो चीज़ें लोग मैदान हश्र में जाके समझेंगे, सैयदुल शुहदा का क्या मकाम है, बीबी सैयदा का क्या मकाम है, खुदा ने आपको और हमें तौफीक दी कि यहीं पहचान लें। अल्लाह ने असदारी सैयदुल शुहदा के पीछे जो अज़ीमुशान हकीकतें रखी हैं, उसको बहुत सारे लोग मरने के बाद मैदान हश्र में जाने के बाद समझेंगे। खुदा नुमसार ने आपको तौफीक दी, हमें तौफीक दी कि उसके एक ज़र्रे को हम इसी दुनिया में रहते हुए समझने की कोशिश करें। अल्लाह की दी हुई इन बेपनाह नेमतों का शुक्र बजा लाने के लिए, इनमें जो रुकावटें दुश्मनों की तरफ से आती हैं उन तमाम के खात्मे के लिए, तमाम असदारे ने सैयदुल शुहदा की सलामती, मज़ीद तौफीकात, असदारी की कबूलियत और बिलाखिर इमाम आसर की तशरीफ़ आवरी की ताजील के लिए दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सिफेन मौलाना साहब ने इंतहाई बलीग अंदाज में बहुत सारे हकायक बयान किए, इमाम की रिवायतें बयान फरमाईं, और ये बात मुख्तलिफ तरीक़ों से अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की रिवायात को देखते हुए उरफा, फुकहा, उलमा बयान करते रहे हैं कि अगर कोई इंसान अपने अंदर, खुदा न करे ना औज़ु बिल्लाह, कभी इस बात को एहसास करे कि वह अल्लाह की बंदगी नहीं कर पा रहा। कभी होता है इंसान के नफ्स के अंदर एक मौका आता है, जैसे ज़मीनों के ऊपर कहत आती है, इसी तरह बाद औक़ात इंसानों के दिलों पर भी कहत आती है। नहीं नमाज़ पढ़ने का दिल चाहता, नहीं कुरान पढ़ने का दिल चाहता, कभी होता है इंसान के ऊपर। तो बयान करते हैं कि अगर खुदा न करे नऊज़ु बिल्लाह ताला कभी ऐसी हालत में भी कोई आए और बस इतना कर ले कि इमाम के गम पर रो ले। आयतुल्ला बहजत का एक जुमला मुझे याद आता है, फरमाते थे गुनाहों के पहाड़ चंद आंसुओं से ख़त्म हो सकते हैं। गुनाहों के पहाड़, दिल की बेतौफीकी चंद आंसुओं से ख़त्म हो सकती है। ये नेमत नहीं है खुदा नुसार ने हमें दे दी, खुदा नुसार ने अदाए सैयदुल शुहदा में मशगूल कर दिया। ज़िंदगी तो गुजर ही जानी है, लेकिन खुदा नुसार ने इस पाकिजगी के साथ गुजारने का मौका नसीब किया है। एक बार फिर इस नेमत का शुक्र बजा लाने के लिए, जिसके नतीजे में खुदा इंशाअल्लाह इजाफा फरमाएगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदा ने कुरान करीम में बिल्कुल इब्तदा में मोमिनों की सिफत बयान की, मुत्तकीन की सिफत बयान की, वहीं पे खुदा ने मुताल ने बयान किया कि ये वो लोग हैं कि जो गैब पर ईमान लाते हैं। अब इसके ऊपर मुफस्सरीन ने बहुत मेहनत की है, ये जो गैब पर ईमान है इसका ये मतलब क्या है। ज़ाहिर है हम एक तरफ से खुदा ने मुताल ने फरमाया कि गैब का इल्म तो बस खुदा ही के पास है, फिर कहीं कुरान करीम में ये भी फरमाया कि सिर्फ उसके पास है और वो जिस पर वो राज़ी हो उसको नसीब करता है। तो इसका मतलब ये है कि गैब कोई बहुत बड़ी चीज़ है, इसका इल्म ही सिर्फ खुदा के पास है या वो जिस पर खुद राज़ी हो खुदा। और हमसे ये कहा गया है कि तुम लोग क्या करो, तुम गैब पे ईमान लाओ। तो ये क्या मरहला है, किस गैब पे ईमान लाएं जिसका इल्म भी नहीं है हमारे पास। इतनी बड़ी कोई चीज़ है, इतना बड़ा कोई मामला है, तो अगर वाकई ऐसा हो तो फिर इस छत के नीचे कितने लोग होंगे जो गैब पे ईमान लाए होंगे, कितने लोगों के पास होगा। तो मैं जहन इसमें किसी मौके के ऊपर बहुत उलझ गया कि ये गैब है क्या। फिर एक और मामला भी है,
वो ये कि हम बहुत सारी दीनी बातों को कबूल करते हैं, जिंदगी पे असर कब आएगा, जिंदगी पे असर कैसे आएगा। मिसाल आपकी खिदमत में बहुत बार से अर्ज करता हूँ, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। अब कोई मुसलमान हो तो क्या कोई शक है कि कुरान करीम की अहमियत है? अरे मुसलमान हो गई वो जो पहले नबी के इस मौजे को पहचानेगा, नबी के इस मौजे पर ईमान लाएगा तो अल्लाह की नबी की नबूवत को कबूल करेगा। यहीं से मामला शुरू होगा, क्योंकि हम लोग अल्लाह के नबी के दौर में नहीं थे कि हमने अल्लाह के नबी के हुक्म पर एक बहुत बड़े दरख्त को हिलते देखा हो, हम नहीं थे वहाँ। लेकिन जो अल्लाह के नबी का मौजज़ा हमने अपनी आँखों से देखा है वो कुरान करीम है, ये कुरान करीम है, हमारे हाथ में मौजज़ा है। अब एक सवाल है मेरे पास, इस मौजज़े का हमारी ज़िंदगी पर असर कहाँ है, वो असर होना क्या चाहिए? अब एक असर बहुत सादा सा ये है कि भाई आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई एहसास हुआ कि भाई कोई मेरे ऊपर नहीं मालूम जादू कर रहा है, फितना कर रहा है, टोना कर रहा है, आपने मुआवज़तैन पढ़ना शुरू कर दिया, बस ये कुरान का असर है या कुछ और है? वो जो और है वो क्या है, वो असर मैं अपने अंदर कैसे लाऊं? तो ये एक बहुत सादा सी मिसाल है जिसमें हमें समझ में आता है, और आप और मैं जानते हैं कि इस मामले के अंदर, इस पहली मिसाल के अंदर हम लोग बहुत सारे लोग इसी मुश्किल में मुब्तला होंगे कि नहीं मालूम कुरान का वो असर हम पर है क्या। और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने जस्तजू भी शायद ना की हो ज़िंदगी के अंदर। तो मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, गैब पे ईमान लाना ईमान का जुज़ है या नहीं है? पहले सफ़े में लिखा है यूमिनून बिलगैब, इस गैब पर ईमान का मेरी ज़िंदगी पर असर क्या है, कहाँ ढूंढूँ इसका असर? तो मैं कोशिश ये करूँगा, तौफीक खुदावंद मिसाल की तरफ से हासिल रही इंशाअल्लाह, सैयदुल शुहदा नज़र लुत्फ़ फरमाए, इंशाअल्लाह आप भी दुआ कीजिएगा, कोशिश ये करेंगे कि ये जो इस तरह का मामला है उसको अपनी ज़िंदगी में ढूंढने की कोशिश करें, यह हम पर कैसे असर डालेगा और इसका असर हमारी ज़िंदगी की किन किन चीज़ों पर होगा। अब आज मैं शुरू करने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह मालिक है, इंशाअल्लाह चंद दिन हमारे पास हैं, इसको बयान करेंगे, और मैं आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज़ करूँगा ताकि ख़ुद सीखूँ, और जो ज़िंदगी में कुछ अय्याम बाकी रह गए हैं उस पर अमल करने की कोशिश करूँ इंशाअल्लाह ताला। और आपसे भी यही दरख्वास्त इल्तिजा करूँगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। ये मेरे जहन में सवाल कब से आना शुरू हुआ, थोड़ा सा बैकग्राउंड अर्ज कर देता हूँ, देर तो काफ़ी हो गई, यानी तकरीबन 8:30 बजे हमें शुरू करना चाहिए था और 9:30 बजे तक ज़ाहिर है आप लोगों ने घर चले जाना चाहिए था, लेकिन फिर बीच में थोड़ा सा हमारी फ़्लाइट आते आते भी देर हुई, घर यानी यहाँ पहुँचते पहुँचते फिर पता चला कि एक मजलिस बीच में आ रही है, तो वो ज़ाहिर है कि फिर वो हुई। अब आप में से कुछ लोगों को ने प्रोग्राम बनाया होगा कि भाई 9:30 बजे हमें यहाँ से निकल जाना है। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, एक तो ये कि मैं उनके प्रोग्राम को फॉलो करूँ और 9:30 बजे ख़त्म कर दूँ, एक रास्ता ये है, मेरा दिल भी नहीं मानता कि भाई मैं भी इतनी मेहनत करके आया हूँ यहाँ तक। और अब मैं इसका बीच का एक रास्ता निकालता हूँ, बीच का रास्ता ये निकालता हूँ कि भाई अगर किसी ने 9:30 बजे जाने का प्रोग्राम बनाया था तो हमने किसी को रोका है क्या? नहीं, रोका तो नहीं है, जो 9:30 बजे जाना चाहता है वो बहुत सुकून से चला जाए, बाकी ये है कि रिकॉर्डिंग तो हो रही होगी वो बाद में देख ले, अगर कोई पॉइंट मिस भी होगा तो वो देख ले, और जो लोग बैठ सकते हैं वो बैठ जाएंगे। तो मजलिस में सबसे अच्छी बात ये है कि ना किसी के आने पे बंदिश है ना किसी के जाने पे बंदिश है, ये तो एक आज़ाद प्लेटफॉर्म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद वाजिल फरज। हमें खुद लोगों के वक्त का वाकई एहसास रहता है, खुद भी कोशिश करते हैं कि देर सवेर ना हो, लेकिन बहरहाल
اس کا حل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، تو اب کوئی پریشانی میں نہ رہے کہ بھئی مجھے اٹھ کے جانا ہوا تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ہم نے تو خود کہا ہے آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے، باقی جو تھا وہ ہم اپنی ڈیوٹی بھی پوری کر لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. قم طالب علم تھا 1984 سے، ایک دو سال قم کے باہر ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، پھر تقریباً 86 میں قم میں آ گیا تھا، تو تقریباً 84 سے 1996 تک، اب یہاں سے کچھ بچے بیٹھے ہوں گے جو پیدا ہوئے ہوں گے 1996 میں، یہ بہرحال 1984 سے 96 تک میں نے دینی تعلیم حاصل کی تھی، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ رب العالمین. اگر میں دوبارہ کوئی ٹائم مشین میں مجھے لے جائے 1984، خدا شاہد ہے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مولا کا علم پیچھے لگائے، یہی کروں گا، دوبارہ طالب علم ہی بنوں گا، کیونکہ میں نے 40 سال میں تقریباً ایک بات سیکھی ہے، اس سے بڑھ کر شرف کوئی نہیں ہے کہ میں ذکر سعید و شہدا کروں، اس سے بڑھ کر شرف، وہ اللہ ہے، اس سے بڑھ کر نہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو میں طالب علم تھا اور ہوں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا احسان. تقریباً 1994 کے قریب میرے ذہن میں ایک بات آئی، یہ کہ بھائی میں 10 سال سے دین سیکھ رہا ہوں، اس پہ عمل کیسے کروں؟ جب عمل کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ عمل تو کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ عبادتیں ہیں، لیکن عبادتوں کا بھی کہیں پہ اثر ہے، عبادتیں بھی صرف عبادتوں کے لیے نہیں ہیں، عبادتیں بھی کہیں اور پہنچانے کے لیے ہیں. وہ جو پہنچانے کے لیے ہیں وہ کیا ہے؟ تو وہ بالکل بریف کرتے ہوئے، بالکل مختصر کرتے ہوئے، وہ یہ کہ اللہ عبادتوں کے ذریعے سے ہمارے اندر کچھ صفتوں کو جگانا چاہتا ہے. عبادت اگر وہ صفت نہ لائے، اس کا مطلب ہے عبادت ادا تو ہو گئی ہے، قبول نہیں ہوئی. یعنی آپ خود سوچیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو اگر نماز ہوئی، قبول ہوئی، تو فحشاء نہیں ہوں گے، فحشاء نہیں ہوئے، پاکیزگی ہوگی، منکر نہیں ہوں گے، اس کا مطلب ہے معروف ہوگا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز قبول ہو پھر بھی فحشا ہو؟ یہ تو نہیں ہوگا. اچھا، اب وہ جو فحشا نعوذ باللہ ہوں کسی کے اندر، وہ نماز کے دوران ہوں گے؟ نماز کے دوران کون فحشا کرے گا؟ وہ جو منکر خدا نہ کرے کسی کے اندر ہوئے، مسجد کے اندر، نماز کے اندر ہوں گے؟ نہیں. بس نماز آپ مسجد میں پڑھیں گے، فحشا کا مقابلہ باہر ہوگا. نماز آپ مصلی پہ پڑھیں گے، منکر سے حفاظت آپ کی بزنس میں ہوگی، جاب پہ ہوگی. صحیح ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے عبادت واجب ہے، آپ عبادت کریں گے، اس کا ایک ثواب ملے گا. یہ نشانی کہ عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ کے اندر کوئی صفت بنے گی. وہ صفت بن گئی تو پھر یہ عبادت قبول ہو گئی. صحیح ہے؟ اچھا، اب فرض کریں میرے ساتھ ایک کام ہو گیا، وہ یہ کہ میں مدرسے میں رہ رہا ہوں، میں قم میں رہ رہا ہوں، میں نمازیں پڑھے جا رہا ہوں، فحشا کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. اب مجھے کیسے پتا چلے کہ میں فحشا سے بچا یا نہیں بچا؟ میں مدرسے میں رہ رہا ہوں، ظاہری طور پر منکرات کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. بھائی میں قم میں بیٹھ کر کیا کوئی رشوت لوں گا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ. اور میں طالب علم ہوں، میرا اسکالرشپ لگا ہوا ہے، میں بزنس نہیں کرتا، جاب نہیں کرتا، رشوت کہاں سے لوں گا؟ اب میں رشوت نہیں لے رہا ہوں، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، الحمدللہ میں راشی نہیں ہوں، کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے. کیسے پتا چلے گا کہ راشی نہیں ہے؟ جگہ ہی نہیں ہے. تو میں صلاۃ پڑھ رہا ہوں،
منکر و فحشا سے محفوظ ہوں کیونکہ ابھی مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، گنجائش نہیں ہے. تو اچانک میرے ذہن میں یہ آیا کہ بھائی یہ جو میں 10 سال سے دین پڑھ رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں سیکھ رہا ہوں، سیکھ بھی رہا ہوں یا نہیں سیکھ رہا ہوں؟ اب مثلاً کیا ہوگا، مثلاً ہم سے کہا گیا بھائی آپ توکل کرو، صحیح ہے توکل کر لیتے، ایسی کوئی سختی میں آیا کہ توکل ٹیسٹ ہوگا؟ میں طالب علم ہوں، مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، قم میں رہ رہا ہوں، نہ کوئی دشمن للکارتا ہے یہاں پہ، نہ کوئی مصیبت ایسی آتی ہے کہ میں دیکھوں میں نے توکل کیا یا نہیں کیا. 4 دفعہ مثلا کوئی تھوڑی بہت مالی سختی میں آ گئے تو وہ بے بسی میں اور کرتا بھی کیا صبر کے علاوہ. تو اس کو میں کہوں کہ میں توکل کر رہا تھا، کیا پتہ توکل کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا. تو مجھے اچانک ایک بات سمجھ میں آئی کہ بھائی ہم دین سیکھے جا رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مومن پرہیزگار ہیں، متقی ہیں مثلاً، لیکن یہ ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے. اب کوئی ایسا کام کروں کہ دین میں کچھ سمجھ میں تو آئے کہ کر کیا رہا ہوں میں، تو پھر آہستہ آہستہ میں اس پہ شفٹ ہونا شروع ہوا کہ دین کو ٹیسٹ کرتا ہوں، اپنے دین کو آزماتا ہوں جو میں نے سیکھا ہے. اور مجھے یاد ہے پہلی چیز جو میرے دماغ میں آئی کہ اس کو مجھے آزما لینا چاہیے، اور میرے سامنے پورا دین آ گیا. اور اس دین میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میں آزما ہی نہیں سکتا تھا، میرا کیلیبر ہی نہیں تھا وہ. کوئی میدان کربلا میں اکیلا کھڑا ہو، یہ ہمارا کیلیبر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی مقام ہی نہیں ہے، مجال ہی نہیں ہے کوئی، اس کو تو نہیں آزما سکتا میں. تو پھر میرے ذہن میں آیا وہاں سے شروع کروں جو بالکل لائف کا حصہ ہے، یہاں سے شروع کروں، وہاں سے شروع کروں اور پھر آہستہ آہستہ بڑھاؤں کہ میں دین سیکھا تھا اس کا کیا ہوا. پھر آہستہ آہستہ شاید خدا ایسے موقع لے کر آئے جس سے مجھے سمجھ میں آئے کہ بھائی دین اثر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. تو میں کہا اس سے مجھے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ یہ مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ 10 سال میں نے وقت لگایا اس میں میں نے دین سیکھا یا نہیں سیکھا. دوسری بات یہ کہ پھر جب میں کسی کو بتاؤں گا کہ میرے دین نے میرے اوپر یہ اثر ڈالا تو میں نے تجربہ کیا ہوا ہوگا، لفظ نہیں بولوں گا، عمل سے ایک تجربہ ہو چکا ہوگا، پھر بات سمجھ میں آتی. اگر میں آپ کو ایک نسخہ دوں کہ اگر آپ پریشان ہوں تو اس نسخے پہ عمل کریں، اور کسی دن آپ مجھے پریشان دیکھیں تو آپ مجھ سے کیا کہیں گے، مولانا وہ نسخہ کہاں گیا؟ اور پھر میں آپ سے کہوں کہ وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، میں تو خود کسی اور سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ کروں کیا، تو پھر آپ کے خیال میں اس نسخے کی کوئی قیمت رہے گی؟ آپ کہیں گے بھائی اگر اس کو یقین ہوتا تو یہ خود نہ عمل کر چکا ہوتا اس کے اوپر. تو یہاں سے مجھے سمجھ میں آیا بھائی دین، معذرت کے ساتھ، ہم کیوں نہیں پھیلا پا رہے؟ اس لیے نہیں پھیلا پا رہے کیونکہ جو دین ہم لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں شاید وہ ہمارے اندر ابھی اندر محکم نہیں ہوا ہے، زبان پہ ہے. اور ایک بات مجھے سمجھ میں آئی ہے، دین زبان سے نہیں پھیلتا ہے، دین قلب سے پھیلتا ہے. کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، تم لوگوں کے درمیان مبلغ بن جاؤ اپنی زبان کے بغیر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دین زبان سے نہیں پھیلتا، دین لہجوں سے نہیں پھیلتا، دین تقریروں سے نہیں پھیلتا، دین خطابت سے جس معنی میں ہم لوگ کہتے ہیں اس سے نہیں پھیلتا. دین کس سے پھیلتا؟ دین پرہیزگاری سے پھیلتا. آپ نے شاید تجربہ کیا ہو اور شاید نہ کیا ہو، آج کے ماحول میں گم ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کے اجداد میں یہ بہت تھا کہ کوئی شخص پرہیزگار ہوتا تھا، نہ وہ مولوی ہوتا تھا، نہ وہ خطیب ہوتا تھا، نہ وہ اہل ممبر ہوتا تھا، نہ حتی نوح خان، مرثیہ خان، سوز خان، سلام خان ہوتا تھا، لیکن دین پھیلاتا تھا، دین پھیلاتا تھا. کیسے دین پھیلاتا تھا؟ صبح شام کی زندگی اس کی دین پھیلاتی تھی، لوگ اسے دیکھتے تھے اور لوگوں کو خدا یاد آتا تھا. دین ایسے پھیلتا ہے، جو مجھے سمجھ میں آیا. اب اس کو دیکھتے ہوئے میں نے پہلا تجربہ کہاں سے شروع کیا، پہلے عرض کر چکا ہوں، تھوڑا سا تفصیل سے میں نے عرض کر دیا ہے
इसको दोबारा अर्ज करता हूँ, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मोहम्मद सबसे पहले मैंने तजर्बा किया वो एक अजीम शान इबादत पे किया जिसका वक्त तो कम था लेकिन उसकी फजीलत बहुत ज़्यादा थी। सोचो कोई एक इबादत हो जिसमें वक्त लगे एक मिनट और सवाब हो हजार रकत नाफला से ज़्यादा, वो वही जो आपके हाथ में है, बीवी की तस्बीह, एक मिनट लगेगा आपको अगर आपने हल्के हल्के पढ़ा, वरना मैं बहुत दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ लोग 15 से 20 सेकंड लगाते हैं। अगर आप खुदा न करे नाऊज़ बिल्लाह ताला उस कैटेगरी में जो 15 से 20 सेकंड में 200 कलिमात अदा फरमा रहे हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा हाथ जोड़े बग़ैर दस बस्ता ये हरकत मत करें, सुकून सुकून से पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इतना रखें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर इस स्पीड से, इससे ज़्यादा मत बढ़ें वरना आपका सवाब बहुत कम रह जाएगा, असर ना होने के बराबर होगा, सवाब फिर भी होगा वो बात नहीं आएगी। तो मैंने सबसे पहले ही सोचा भाई ये तस्बीह क्या है, ज़ाहरी तौर पर बचपन से सुन रहा था, बचपन से मेरी वालदा ने मुझे नमाज सिखाई थी तो तस्बीह पढ़ना सिखाया था। पहले तो हम लोग वाजिब समझ के पढ़ते थे, जब तक हम कुम नहीं गए थे हम समझते थे ये नमाज का वाजिब हिस्सा है, अलबत्त उस ज़माने में वाजिब मुस्ताहब की तमीज़ नहीं थी, बस जो वालदैन ने सिखा दिया हम समझते थे नमाज पूरी यही है, तो हम लोग कुनूत समझते थे वाजिब है, और ये जो तीन दफ़ा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर इसको हम समझते थे ये वाजिब है, फिर तस्बीह भी समझते थे वाजिब है, इस तरह पढ़ते थे, वरना समझते थे नमाज हुई ही नहीं है। ये तो बाद में समझ में आया कि नहीं भाई वाजिब नहीं है मुस्ताहब है, लेकिन बचपन से सुन रहे थे। अच्छा क्या सुन रहे थे, मैं लंबी दास्तान में ना जाऊँ, लेकिन बहरहाल जो हम सुन रहे थे वो सही था, और वो ये कि ये तस्बीह बीवी को अल्लाह के नबी ने हिदिया फरमाई थी। अल्लाह अकबर, थोड़ा सा सोच लें कि यही एक जुमला कि हम तक तस्बीह, माजर के साथ यूं ही अर्ज़ कर रहा हूँ कोई कमी किसी मकसूद, हम तक ये तस्बीह जाबिर बिन अब्दुल्ला से नहीं पहुँची है, बीवी सैयदा से पहुँची है। अल्लाह अकबर, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद का, सल्लल्लाहु अलैहि। शायद किसी को बुरा लगे मैंने क्यों कहा जाबिर बिन अब्दुल्ला, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रावी इस तस्बीह का नबी से लेकर देने वाली खुद ज़ात बीबी की है। मसलन ऐसा नहीं है, मसलन एक आम साहबी गए नबी के पास, उनसे पूछा ऐ अल्लाह के नबी मुझे फना काम है मैं क्या करूं, अल्लाह के नबी ने कहा ये करो, ये नहीं हुआ है। वो हस्ती गई हैं जिनके एहतराम में अल्लाह के नबी खड़े हो जाते थे, वो गई हैं, उन्होंने फरमाया ये मेरी जिंदगी का मामला है, क्या एक खादमा मिलेगी, अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं उससे बढ़कर दूंगा, उससे बढ़कर दूंगा। ये जुमला मेरे दिमाग में खुब गया, मैंने कहा कि मैंने ये आजमाया क्यों नहीं आज तक कि तस्बीह मुझे दुनिया के खादिमों से बढ़कर कुछ दे दे। सही है, आपको खादिम क्यों चाहिए होते हैं, नौकर क्यों चाहिए, आपको नौकर चाहिए बहुत सारे काम आप नहीं कर सकते वो कर सकता है। अल्लाह के नबी फरमा रहे नहीं नहीं मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा तुम्हें उनकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी ऐसी, अब जब इतनी बड़ी नेमत मिल गई है तो मैं अपने आप को महरूम क्यों करूं, तो मैं कम से कम काम से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा काम तक जाऊं इस तस्बीह के ज़रिए से। मैंने कहाँ से शुरू किया, माजरत चाहता हूँ अगर किसी को ये कहानी तकलीफ दे लग रही हो, और इसमें यानी स्टार्टिंग पॉइंट इतना अच्छा नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ। शुरू मैंने कहाँ से किया, मैंने कहा भाई सबसे कम असर किसी खादिम का क्या होता है, ये होता है कि मसलन मैं थक गया मैं काम करूँगा तो और थक जाऊँगा,
तो एक खादिम आए कोई काम कर दे ताकि मैं न थकूँ। तो मैंने कहा चलो मुझे एक बात समझ में आ गई, जिस दिन मैं अपनी जिस्म में ऐसी थकावट देखूँ कि मुझे लगे अब मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं तस्बीह पढ़ के देखूँगा कि फ्रेश हुआ या नहीं हुआ। कम से कम तो यहाँ से तो शुरू हो, रूह पे क्या असर पड़ेगा अगला मरहला। यहाँ अल्लाह शाहिद है मैंने यहाँ से शुरू किया। जब मैं थक के जिसको हम लोग उर्फ में अपनी कहते हैं कुट जाता था, मैं कहता था अब वक्त आया तस्बीह पढ़ने का, अब वक्त आया तस्बीह पढ़ने का, अब देखता हूँ तस्बीह से मुझे सुकून मिला या नहीं मिला। आज भी ऐसे ही हुआ, आज भी ऐसे ही हुआ। कल अल्हम्दुलिल्लाह 20-22 घंटे का सफ़र करके मैं अफ्रीका से वापस पहुँचा था। कल के जो काम काज थे वो निपटाए, आज सुबह से निकला हुआ था, इस जगह पे उस जगह पे एक ड्रामे को झेल रहा हूँ, दुश्मनों की तरफ से एक कार्रवाई हुई है, खबर आपको शाम तक रात तक कल तक मिल जाएगी, उसको झेलता रहा, फिर फ्लाइट में बैठा, फिर यहाँ पे उतरा, एयरपोर्ट से यहाँ तक आते आते 1.25 घंटा लगा, थक के कुट गया। अब मंजिस भी पढ़नी थी। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मैं कहा ये वक्त आया तस्बीह पढ़ने का, जब मेरे दिमाग पे उसका टेंशन भी है जो हुआ, थकावट का टेंशन भी है, मजलिस का टेंशन भी है और तबीयत भी थोड़ी खराब, अब सही वक्त, अब तस्बीह पढ़ के देखता हूँ क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दीन आजमाए, दीन आजमाए, इस दीन की ताकत पे आपका जो यकीन बढ़ेगा वो आपको और पता नहीं किस मंजिल पे ले जाएगा। दीन को आजमाए, फिर जब आप मुतमईन हो जाएंगे ना, हाँ इसने असर किया, हाँ फिर देखिएगा, फिर आपको हौसला मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, देखिए हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो बच्चे हैं अभी उम्र में कम हैं, शायद उनको अभी वो मौका बाद में मिलेगा, लेकिन हम में से बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी मुश्किलात मौला अबुल फजल के नाम पर ख़त्म करवाई हैं, है या नहीं है, है हमने करवाई हैं। अब कोई दुश्मन हमसे कहे आज़ादारी से हटो, हट सकते हैं, हम जिंदगी गुजार चुके। बल्कि मैं एक जुमला अर्ज करूं, एक जिंदगी नहीं 1400 साल गुजार चुके हैं, हमने अलम की ताकत नहीं समझी, हमने करबला के बैनुल हरमैन को नहीं समझा, हमने नहीं समझा तो किस कौम ने समझा है। 1400 साल बाद अब तशय्यो अपने जवानी में दाखिल हो रही, जब सब बुढ़ापे में जाके मर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब ताकत जाहिर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो आयजान मोहतरम, दीन को आजमाए, दीन के ऊपर ताकत पे तवज्जो दें। तो मैं जो काम करने की कोशिश करूँगा इन चंद दिनों के अंदर, वो ये अर्ज करने की कोशिश करूँगा कि जो दीन में है एक जाहिर है इसकी तालीमात में, और तालीमात का एक हिस्सा वो है जो जाहिर के पीछे जो जिंदगी छुपी हुई है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। बस दीन की तालीमात के दो हिस्से हैं, एक वो हिस्सा है जो हमें बताता है जाहिर क्या है, एक वो हिस्सा है जो इसी के साथ साथ हमें ये बताता है कि इस जाहिर के पीछे एक बातिन भी है। अब हम ये कोशिश करें कि हम इस जाहिर को उस बातिन से किसी तरह जोड़ सकें। अच्छा, अगर हमने ये नहीं किया तो क्या होगा, खुदा न करे नऊज़ बिल्लाह ताला, अगर हमने ये नहीं किया तो हम जाहिर में रह जाएंगे और बातिन का जो फ़ायदा है वो हमें नसीब नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके कुछ अरसे के बाद नऊज़ बिल्लाह ताला, सद नऊज़ बिल्लाह ताला, हमारी नस्लें जाहिर से थक जाएंगी,
वो ज़ाहिर से थक जाएंगी और हम उनको नहीं समझा पाएंगे कि हमने इस ज़ाहिर को क्यों लिया था। क्यों? क्योंकि हमने खुद बातें तक पहुंचाई हासिल नहीं की। ये चैलेंज है। गुज़िश्ता नस्लों के अंदर ये खूबी थी या वो लोग कमी थी कि वो ज़ाहिर पे अमल करते थे, बातिन तक नहीं भी पहुंचते थे, वो इसको चेंज करने के मूड में नहीं थे। अब ऐसा नहीं है। अब ये जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, हत्ता बुजुर्ग बच्चे, जितने भी लोग बैठे हैं, ये सब लोग आइडियोलॉजीज़ के चौराहे के ऊपर बैठे हैं। हर रोज़ एक आइडियोलॉजी आ रही है, हर रोज़ एक नया चैलेंज आ रहा है, दीन के नाम पर, बेदीन के नाम पर, कहीं इक्तसाद के नाम पर, कहीं सियासत के नाम पर, कहीं माशरे के नाम पर। अगर ये बातें तक नहीं पहुँचे और वो असली असर नहीं मिला, कब तक ज़ाहिर को लेके चलेंगे? अब कहाँ से शुरू करूँ? एक बात तो मैंने अर्ज़ कर दी तस्बीह के सिलसिले में, तो मेरे तकिया कलाम में जहाँ जाता हूँ कुछ ना कुछ इस सिलसिले में अर्ज़ करता हूँ, लेकिन एक और बात अर्ज़ करूँगा। यहाँ से हम शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह 3-4 दिन कोशिश करेंगे, अगर मुझे कुछ मिल पाया बीच में तो मैं अर्ज़ करता रहूँगा, बाकी इंशाअल्लाह खुदा से दुआ करेंगे कि खुदा हमें दीन सीखने की सआदत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। ख़ानदान अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। एक बात अर्ज़ हो गई तस्बीह के सिलसिले में, उसूल अर्ज़ हो गया। क्या उसूल अर्ज़ हुआ? दीन को आजमाए। इसके साथ एक और बात अर्ज़ हुई, हर ज़ाहिर के पीछे एक बातिन है। ज़ाहिर पे नहीं रुकें, बातिन तक जाएं, दीन की तालीमात को उस बातिन में देखें। मिसाल, दुनिया की कोई भी नेमत मिले, अच्छा बोलने वाले जनरलाइजेशन के माहिर होते हैं, सारी दुनिया में एकदम कह देते हैं ये सोचे बगैर कि भाई सारी दुनिया बहुत बड़ी होती है। मसलन कोई आपके यहाँ पाकिस्तान में एक पुल बना हुआ देखे तो वो खट से कह देगा एशिया का सबसे बड़ा पुल है। अच्छा तुम्हें पता है एशिया में कौन कौन से मुल्क कितने पुल बने? नहीं। तो फिर जनरलाइजेशन क्यों की? यूँ ही बोलने के। अब मैंने क्या कर दिया? मैंने जनरलाइजेशन कर दी, दुनिया की सारी नेमतें। अब कोई मुझसे कहे तुम्हें पता है नेमतें कितनी हैं? नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक कानून समझ में आ रहा है, वो क्या है? दुनिया की सारी नेमतें एंड में अगर एक चीज ना दें तो वो नेमत नहीं रहती। कोई भी नेमत ले लो दुनिया की, दुनिया की सारी नेमतें अगर एंड में उस नेमत से हमें सुकून ना मिले फिर वो नेमत नहीं है, वो फिर जहमत ही जहमत है। मिसाल देना, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको दुनिया का महंगा तरीन घर मिल जाए और आपको कह दिया जाए कि ये आपका हो गया, इतने साल के लिए हो गया, सब कुछ हो गया, एक शर्त है, जब तक इसमें रहोगे सुकून नहीं आएगा। हाँ भाई, शिफ्ट होने को तैयार है? एक तालिब इल्म था, ज़ाहिरन मुझे याद आता है आयतुल्ला मिश्किनी ने वाक़ा सुनाया था, कहने के एक तालिब इल्म था, वो किसी ने मसलन किसी उस्ताद ने कहा कि भाई जो खुदा से मांगो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ये तरीका ये तरीका ये तरीका। उसने कहा कि मौलाना ये तरीका कन्फर्म है? आगा उन्होंने कहा आप कन्फर्म है, जो मांगते मिलता है। वो गया एक दुआ के पीछे पड़ गया, एक दुआ के पीछे पड़ गया, फिर आकर अपने उस्ताद से कहा उस्ताद मैंने आपकी बात समझ ली है, मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी एक दुआ है, मुझे वो दुआ चाहिए। उन्होंने कहा मत करो, कोई ढंग की चीज़ मांगो, ये क्या पागलपना है? क्या लगा? नहीं मुझे यही चाहिए। कहने देखो मैं तुमको होशियार कर रहा हूँ, नहीं करो ये काम, ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। क्या चाहिए? मुझे मर्सिडीज बेंज चाहिए। कौम का तालिब इल्म जिसका शहरिया 20 तारीख तक नहीं चलता, वो एक इबादत का अमल करके खुदा से क्या कह रहा है? मुझे मर्सिडीज बेंज चाहिए। ईरानी उसको बेंज कहते हैं, हम लोग मर्सिडीज कहते हैं, क्योंकि ईरानियों के उसके कारखाने में शेयर थे तो ईरान में बनती थी, वहाँ सबसे बड़ी गाड़ी वही समझी जाती थी। उसने कहा मुझे चाहिए। अब उनका उस्ताद समझा रहा है, बेवकूफ़ इंसान,
तुम्हें मांगना है कोई मानवियत मांगो, कोई नमाज शब मांगो, कोई औलाद सालेह मांगो, कोई खिदमत मांगो, ये क्या मांगते हो तुम? कहने लगा नहीं मुझे ये चाहिए। कहने लगा ठीक है फिर अंजाम तुम ही देखना। उन्होंने ये बताया एक एक्सीडेंट में अपने अहल खाना समेत फौत हुआ उसी गाड़ी में। हाँ भाई मर्सिडीज बेंज चाहिए, किस अहमक को चाहिए? दुनिया की जितनी भी नेमतें चाहिए होती हैं किस लिए चाहिए होती हैं? मतलब मुमकिन है अभी मैं तो सुकून कहा ना, मुमकिन है यहाँ पे वो बच्चा बैठा हो कहने मारा सुकून नहीं मुझे मज़ा चाहिए। मज़े के पीछे क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन। उस सेटिस्फेक्शन को हम उर्दू में कहते हैं सुकून। आप उसे कुछ और कह लो, इत्मीनान बोल लो, हर मज़े के बाद क्या मिलता है? एक सुकून आता है, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अलबत्ता कुछ मज़े ऐसे होते हैं जो दूर से देखने में पहाड़ लगते हैं, जब इंसान ले लेता कहते हैं लो भाई इसके बाद भी सुकून नहीं मिला। यकीन मानो दुनिया की तकरीबन, अब मैं एहतियात कर रहा हूँ तकरीबन कह रहा हूँ, तकरीबन सारी नेमतों के साथ यही होता है। दूर से देखते हो लगता है ये अगर मिल गई ना ओ हो, और जब मिल जाती है तो इंसान कहता है ये था जिसके लिए मैंने ये सर मारा था। और इसमें आज के ज़माने में सर फहरिस्त, ये जो सब ग्रीन कार्ड के पीछे भाग रहे हो ना, वीज़ों के पीछे और नेशनलिटीज़ के पीछे भाग रहे हो, यकीन मानो एक मौके पे पछताओगे। ये नहीं कहोगे कि ये था, नहीं कहोगे ये क्या बला थी, ये कहोगे। तो जो भी इस मूड में है, और यहाँ तो ऐसे तो बहरिया टाउन है, यहाँ तो तकरीबन हर आदमी मूड में बैठा होगा, इसके सोच समझ के करना। अभी बोल रहा हूँ सोच समझ के करना, बाद में पछताना पड़ेगा। दुनिया की हर नेमत के पीछे सुकून चाहिए। अच्छा अब मैं एक बात पूछता हूँ, एक सुकून का जाहिर है एक सुकून का बातिन है। अगर मुझे जाहिर का सुकून चाहिए, पैसा चाहिए, ताकत चाहिए, शोहरत चाहिए, और खुदा का दीन एक दफ़ा भी मुझसे ये नहीं कहता तुम जिंदगी गुजारो पैसे के लिए, ताकत के लिए, शोहरत के लिए, सही है? कभी कोई रिवायत मिली जिसने कहा हो कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद पैसा कमाना है? नहीं। कोई रिवायत मिली तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद ताकतवर होना है? मकसद नहीं। तो खुदा को मुझे सुकून तक नहीं पहुँचाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कह रहा है खुदा के जाहिर सुकून दौलत ताकत और शोहरत से है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा सुकून बताऊंगा जो इसके बगैर भी है। अब मैं खुदा से पूछता हूं, खुदाया कौन सा सुकून ड्यूरेबल है, कौन से सुकून में डेप्थ है, कौन से सुकून में पायदारी है, दौलत ताकत शोहरत या वो जो अल्लाह के दीन की तरफ से आएगी? अब आप खुद जानते हो मैं क्या जवाब दूं आपकी तरफ से। जाहिर है कि जो खुदा की दीन की तरफ से आएगा। क्यों? ये जो दुनिया के सुकून होंगे इन सब के पीछे एक मुश्किल लगी हुई है, लेकिन जो खुदा के सुकून हासिल करने का रास्ता है वो इतना बड़ा कारनामा करता है कि अबू जर गरीब को साहिब जर बनाता है। क्या कह रहे हैं? अबू जर जिसके पास जर है ही नहीं उसको बनाता है साहिब जर, सही है? ये कहीं और से सुकून लाता है, ये सुकून कहाँ से लाता है? अगर आपको और मुझे ये चीज़ें समझ में आ जाए ना कि जाहिर के पीछे बातिन क्या है, अलबत्ता जाहिर है कोशिश करें खुदा समझाएगा, तो हम लोग ऐसे फार्मूलाज तक पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह जिनकी खातिर हमें अपने आप को दुनिया में मुलव्विस, मुलव्विस होने का मतलब वैसे तो मशगूल होना है लेकिन मुलव्विस में अरबी का मतलब होता है गंदा करना, लॉस यानी गंदगी, बेलॉस यानी किसी बुरी नीयत के बगैर बेलॉस। तो मुलव्विस होने का मतलब क्या होता है? गंदगी में अपने आप को डालना। तो अगर हमें यह पता चल जाए कि खुदा जो हमें सुकून देने वाला है वो कैसे देने वाला है, तो हमें गंदगी ये दुनिया के अंदर इसके लॉस में अपने आप को मुलव्विस नहीं करना होगा, फिर भी सुकून मिलेगा, फिर भी सुकून मिलेगा, सही। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा टच करते हुए आज यहीं भी इख्तिताम पज़ीर करते हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
صل على محمد وآل محمد. دنیا کے ہر فارمولے میں, پھر میں نے جنرلائزیشن کر دیا لیکن یہ صحیح ہے, دنیا کے ہر فارمولے میں لینا ہوتا ہے, اللہ کے تقریباً تمام فارمولوں میں دینا ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا فرق ہے. لینے میں یہ چانس ہے کہ حق لیاؤ یا باطل لیاؤ, دینے میں یہ چانس تقریباً ختم ہے کہ باطل دیاؤ. حق ہی دے گا. اب مجھے سکون چاہیے تو سکون کہاں سے لوں؟ اگر دنیا میں ہوا تو دولت لینی ہے, شہرت لینی ہے, طاقت لینی ہے, اور کسی کو محروم کرنا ہے. دیکھ لو, دنیا میں 2% کے پاس جو ویلتھ ہے وہ تقریباً 80% کے پاس نہیں ہے. 2% کے پاس, ان 2% کے پاس 80% لوگوں کے برابر یا اس سے زیادہ پیسہ ہے جنہوں نے سب کا لیا ہے نا بالآخر, یہ ہوتا ہے. اچھا شہرت, 24 کروڑ انسانوں کی ایک آبادی کے اندر اگر کوئی مشہور ہوا ہے تو کتنے مشہور ہوں گے؟ 24 کروڑ, کچھ, باقی نہیں ہوں گے. تو وہ حسرت سے دیکھتے رہیں گے, یہ سیلیبریٹی بن گیا ہے اور میں ابھی تک. اس کا مطلب ہے دنیا کے ہر فارمولے میں مجھے لینا ہے بلکہ چھیننا ہے, اور کسی کو محرومیت کا احساس دینا ہے. پیسہ لوں گا, اس کی جیب خالی کروں گا, نہیں بھی میں نے جان بوجھ کے خالی کیا ہو نا تب بھی وہ بیچارہ کوڑتا رہے گا, اس کے پاس یہ گاڑی ہے, میرے پاس دیکھو کیا ہے. شہرت لوں گا اب وہ کہے گا لو بھائی یہ سیلیبریٹی دیکھو. طاقت لوں گا تو کہے گا واہ بھائی اس کے بعد دیکھو ذرا. کسی سے کسی کو مجھے احساس دلانا ہے کہ تیرے پاس نہیں ہے. خدا کے فارمولا کیا کرتا ہے؟ خدا کا فارمولا کہتا ہے دو تم, تمہیں میں دوں گا. تمہیں میں دوں گا. اب مجھے کس سے لینا ہے؟ یا اللہ, اس کے خزانے میں دینے پہ کمی آتی ہے. اگر میں لوں تو کوئی اور محروم ہوگا؟ نہیں. کرۂ عرض پہ سارے لوگوں کو سب کچھ دے دے, اس کے خزانے قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ کتنا اچھا گیم ہے جس میں آپ کو گولڈ میڈل لینے کے لیے سب کو میڈل دینا ہوتا ہے, نہ کہ گولڈ میڈل ایک آدمی لے گا باقی سب دیکھیں گے اس کو گولڈ میڈل ملا ہے. اس گیم میں کیوں نہیں آتے لوگ؟ اس گیم میں کیوں نہیں آتے؟ یقین نہیں ہے, یقین نہیں ہے. ہمیں دین یہ کہہ رہا ہے تمہیں سکون چاہیے, خدا و تعالیٰ فرماتا ہے مجھ پہ اعتماد کرو, مجھ پہ اعتماد کرو, میری خاطر دو, پھر دیکھو تمہیں سکون ملے گا یا نہیں ملے گا. اب لوگ ڈرگز سے سکون لینا چاہتے ہیں. کیوں؟ دولت طاقت شہرت کا گیم ختم ہو گیا ان کے لیے, وہ لے کے تھک چکے ہیں, ان کو اس میں نہیں ملا سکون. مہنگی مہنگی ڈرگز جو ہمارے اور آپ کے سال سال کے خرچے کے برابر ہوگی, رات میں پھونک دیتے ہیں. کس لیے؟ سکون چاہیے. تو جو اتنی تم نے دولت کمائی تھی, بلینر تھے تم, تمہیں اتنی شہرت ملی تھی, کروڑوں لوگ تمہیں جانتے تھے, تو وہ کہتے ہیں صحیح ہے ختم ہو جاتا ہے, اس کا فائدہ نہیں ہوتا, آخر میں ڈرگز سے مرتے ہیں. ایک ایک دن میں 300-300 لوگ امریکہ میں اس کے اوور ڈوز سے مر رہے ہیں. مہنگی مہنگی, اتنی مہنگی میں نے عرض کیا, میں جیسے آدمی کو تو سال بھر کا خرچہ وہ ایک رات میں پیتا ہے. صحیح ہے, اس کا مطلب یہ فارمولے کا ناکام ہونا بالکل کلیئر ہے. اور آپ اور میں وہ ہیں جس کے پاس صحیح فارمولہ ہے,
उसको यकीन नहीं है, उसको यकीन नहीं। अब मैं देखना है यकीन कैसे लाना। थोड़ा सा मैंने अर्ज कर दिया तस्बीह वाली मिसाल से कि यकीन ऐसे लाना, उसका खुलासा क्या हुआ आखिरी जुमला, किसी को सुकून दे के देखो, किसी को सुकून दो और फिर देखो कि आपको सुकून मिला या नहीं मिला। हाँ, आसान तरीन रास्ता ये। किसी को इज्जत दो तो इज्जत दो, सुकून दो, खुशी दो, हाँ फिर खुदा पे छोड़ो, मेरी तरह यहाँ बैठ के नहीं बोलना वरना ज़ाया हो जाएगा। हम लोग बोल देते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है कि बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन बोलने पे ज़ाया होता है। तो आप और मैं क्या करें, मेरा जैसा आदमी क्या करे जिसको बोलना भी है, कुछ बोले और कुछ ना बोले। शब जुमा तो नहीं है, शेर पढ़ना मकरू नहीं है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कहा था, हर किरा असरार हक आमोख्तंद, मोहर करदन व दहन रा दूख्तंद। जिसको भी हक ने अपने राज सिखाए उसके मुंह पर एक मोहर लगाई और उसके लबों को सी दिया। इसलिए या आयतुल्ला बहजत जैसे लोग खामोशी से मरते हैं, ये लोग इसलिए खामोशी से मरते हैं। ये हमारी इधर चिल्ला चिल्ला के नहीं मरते, ये लोग खामोशी से मरते हैं। हर खिरा असरार हक आमोख्तन, मोहर करदन व दहन रो दूख्तन। सीधिया इनके पीछे सैकड़ों हैं जो अगर बहजत की जैसी शोहरत के 10% पे भी नहीं पहुँचे और अपने होठों को सिले सिले दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन अभी भी असर दे रहे हैं, अभी भी असर दे रहे हैं। ये अजीब, मैंने मुझे समझ में आया अभी ऐसे सोच सोच कर, वो ये कि जो दुनिया में ज़्यादा मजलूमी में मरा है उसका असर उससे कहीं ज़्यादा है जिसको दुनिया में मजलूमियत नहीं झेलनी पड़ी, उसके वजूद का असर ज़्यादा है जिसको दुनिया में मजलूमियत झेलनी पड़ी।